नमस्कार दोस्तों, दुनिया के सबसे जाबाज मिलिट्री कमांडर्स में से एक, I'm destined for greatness. यूरोप के सबसे ताकतवर महाराजा, I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head. नेपोलियन बोनापार्ट, ये है तो इतिहास के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों में से एक भी, जहां एक तरफ लोग इनकी काबिलियत की तारीफ करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इनकी सत्ता की भूख को क्रिटिसाइज किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि कैसे इनके हाथों लाखों लोग मारे गए। क्या सच्चाई है यहाँ पर? क्या ये एक जनता के हीरो थे या फिर ये थे एक दुष्ट विलन? जल्द ही 24 नवंबर को सिनेमा हॉल्स में डायरेक्टर रिडली स्कॉट की नई फिल्म आ रही है नेपोलियन। ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ग्लैडिएटर, द मार्शियन और प्रोमेथियस जैसी फिल्में बनाई हैं। ट्रेलर देखकर तो ये फिल्म बहुत दिलचस्प लगती है और इसमें नेपोलियन का किरदार निभा रहे हैं वॉकिन फीनिक्स, वही एक्टर जिन्होंने जोकर फिल्म में जोकर का रोल प्ले किया था। तो मैंने सोचा ये एक अच्छा मौका होगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट की पूरी कहानी। नेपोलियन का जन्म हुआ था 15 अगस्त साल 1769 में कॉर्सिका नाम के एक आइलैंड पर। नक्शे में देखिए, ये काफी बड़ा सा आइलैंड है इटली और फ्रांस के देशों के बीच। ये वही आइलैंड है वैसे जहां पर रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की तमाशा फिल्म का मटर गश्ती गाना शूट किया गया था। उस जमाने में 1700s का जो समय था, कॉर्सिका पर राज था एक ऐसे देश का जो आज के दिन एग्जिस्ट नहीं करता, रिपब्लिक ऑफ जेनोआ। इस देश का झंडा कुछ ऐसा दिखता था और कई सारी टेरिटरीज जो आज के दिन के इटली और ग्रीस का हिस्सा हैं, वो इस देश के कंट्रोल में थी। इनमें से एक टेरिटरी कॉर्सिका की भी थी, लेकिन कॉर्सिका में रहने वाले लोग इससे तंग आ चुके थे। कॉर्सिकन लोगों के अंदर एक नेशनलिज्म की भावना जाग रही थी कि हमें एक आजाद देश बनना है, और आजादी के इस संघर्ष को लीड कर रहे थे ये इंसान, पास्क्वाले पाओली। बचपन में नेपोलियन भी एक कॉर्सिकन नेशनलिस्ट थे और वो पाओली को अपने आइडल की तरह देखते थे। 1760s तक आते आते कॉर्सिका में लड़ाई बहुत बढ़ चुकी थी और ये छोटा सा रिपब्लिक ऑफ जेनोआ का देश वैसे ही कर्ज में डूबा हुआ था, ये इससे तंग आ चुका था। तो 1768 में ये डिसाइड करते हैं कि ये इस कॉर्सिका के आइलैंड को बेच डालेंगे। लिटरली ये आइलैंड को बेच देते हैं फ्रांस को। कॉर्सिका के फ्रीडम फाइटर्स इससे बहुत नाखुश थे, लेकिन वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। फ्रांस जितनी बड़ी इंपीरियल पावर से लड़ना कोई आसान बात नहीं थी। अगले साल 1769 में एक लड़ाई होती है फ्रेंच आर्मी और इनके बीच में, जिसे बैटल ऑफ पोंटेनोवू कहा जाता है, और बड़ी ही आसानी से फ्रांस इस लड़ाई को जीत जाता है और कॉर्सिका का देश फ्रेंच टेरिटरी बन जाता है। इसके कुछ महीने बाद नेपोलियन का जन्म होता है और नेपोलियन के पिता कार्लो एक लॉयर थे जो खुद कॉर्सिका की आजादी के लिए फ्रीडम फाइटर्स के साथ लड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही फ्रेंच आर्मी इस लड़ाई को जीतती है, पाओली को देश छोड़कर भागना पड़ता है और नेपोलियन के पिता कार्लो अपनी साइड बदल लेते हैं। नेपोलियन के पिता इस हद तक फ्रेंच रॉयल्टी के चाटुकार बन जाते हैं कि वो कनेक्शंस का इस्तेमाल करके अपने करियर में ऊपर उठते रहते हैं। उन्हें खुद के लिए नोबिलिटी का स्टेटस मिल जाता है और 1777 तक वो कॉर्सिका के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं टू द कोर्ट ऑफ द न्यू फ्रेंच राजा लुइस द 16th। ये सब देखकर नेपोलियन बड़े परेशान होते थे। वो अपने पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उनकी राय में उनके पिता एक नंबर के कायर थे और भगोड़े थे। हमारा बाप कायर था, मुस्तैद था, भगोड़ा था। लेकिन फिर भी उनके बाप के कनेक्शंस की वजह से ही नेपोलियन और उनके भाई योजेफ को स्कॉलरशिप्स मिल पाई, और इसी की मदद से ही नेपोलियन को फ्रेंच मिलिट्री कॉलेज में एडमिशन मिल पाया। पढ़ाई करते वक्त नेपोलियन फ्रेंच एरिस्टोक्रेट्स के बच्चों से घिरे रहते थे। बाकी बच्चे स्कूल में इनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि इनका एक्सेंट थोड़ा सा अलग था, लेकिन ये भी ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश नहीं करते थे क्योंकि इनकी राय में फ्रेंच लोग यहाँ पर कॉलोनाइजर्स थे और इनका सपना था कि अपने देश कॉर्सिका को एक दिन आजादी दिला कर रहेंगे। इसलिए स्कूल में नेपोलियन बड़े अकेले रहे और इन्हें सहारा मिला तो सिर्फ किताबों का। इनलाइटनमेंट एज के फिलोसोफर जॉन जॉक्स रूसो छोटे नेपोलियन को बड़े पसंद आए। इसके पीछे एक बड़ा कारण था कि रूसो कॉर्सिका की आजादी की बात करते थे, कॉर्सिका के लोगों को बहादुर ठहराते थे। लेकिन फिलोसफी के अलावा नेपोलियन को मैथ्स, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में भी बड़ा इंटरेस्ट था और इन सारे सब्जेक्ट्स में नेपोलियन बड़े एक्सेल करते थे। इनकी एक सबसे पसंदीदा किताब थी प्लूटार्क की पैरेलल लाइव्स। 48 एंशियंट लोगों की बायोग्राफीज इस किताब में लिखी गई थी। अलेक्जेंडर और जूलियस सीजर जैसे लोगों की बायोग्राफीज इसमें लिखी थी और नेपोलियन धीरे धीरे अपने आप को सीजर से कंपेयर करने लगे। स्कूल खत्म करने के बाद नेपोलियन ने पेरिस में मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करी और अपनी स्पेशलाइजेशन आर्टिलरी में करी। यहां से ग्रेजुएट करने के बाद इन्हें फ्रेंच आर्मी में रॉयल आर्टिलरी का सेकंड लेफ्टिनेंट बना दिया गया। लेकिन इस पूरे समय में ये अक्सर
कॉर्सिका वापस जाते थे और अभी भी पास्कुआले पाओली को आइडलाइज करते थे। लेकिन फिर आता है साल 1789, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। फ्रेंच रेवोल्यूशन पर मैंने अपना एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं बाद में। जब ऐसा होता है तो कॉर्सिका का आइलैंड इस नई फ्रेंच नेशनल असेंबली के अंडर आ जाता है और पास्कुआले पाओली को माफ कर दिया जाता है। वो अपने 20 साल के एग्जाइल से वापस लौटते हैं और घर पर उन्हें वापस वेलकम करने वाले लोगों में से एक नेपोलियन भी थे। कॉर्सिका में दोबारा से इलेक्शंस बुलाई जाती है और पाओली ने इलेक्शंस को जीतकर प्रेसिडेंट बन जाते हैं। इस समय तक नेपोलियन के गद्दार पिता की डेथ हो चुकी थी और नेपोलियन खुद पाओली को आइडलाइज करते थे, लेकिन फिर भी पाओली नेपोलियन के परिवार को माफ नहीं करते। पाओली कहते हैं कि ऐसे गद्दार परिवारों को हम कॉर्सिका में रहने नहीं दे सकते, तो नेपोलियन और उनके परिवार को कॉर्सिका छोड़कर जाना पड़ता है और वो फ्रांस में शिफ्ट हो जाते हैं जून 1793 में। इसके बाद पाओली फ्रेंच रेवोल्यूशनरी असेंबली के साथ अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और उनके दुश्मन ब्रिटिश की मदद लेते हैं। यही कारण कि 1794 में एक एंग्लो कॉर्सिकन किंगडम की स्थापना होती है। फ्रांस को पूरी तरीके से बाहर निकाल दिया जाता है कॉर्सिका से और कॉर्सिका एक पपेट स्टेट बन जाता है ब्रिटिश के अंडर। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 साल तक ही रहता है। 1796 में फ्रांस ब्रिटिश पर हमला बोल देता है और एक बार फिर से कॉर्सिका फ्रेंच रूल के अंडर आ जाता है। इस वक्त फ्रांस में अपनी खुद की एक सिविल वॉर चल रही थी। बहुत से अलग अलग फैक्शंस थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के, कुछ काउंटर रेवोल्यूशनरीज थे, अलग अलग ग्रुप्स बन चुके थे, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे। 1793 में क्या होता है कि एक पॉलिटिकल ग्रुप जिसका नाम जेकबिन्स है वो पावर में आते हैं और सरकार बनाते हैं फ्रांस में। इस ग्रुप को लीड किया जा रहा था मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के द्वारा। ऐसे समय में नेपोलियन एक पॉलिटिकल पैम्फलेट लिखते हैं जिसमें वो जेकबिन सरकार को अपना सपोर्ट जताते हैं। जेकबिन के लीडर मैक्सिमिलियन रॉबर्सपियर के भाई इस पैम्फलेट को पढ़ते हैं और काफी इंप्रेस हो जाते हैं। इससे नेपोलियन को अपने करियर में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। फिर सितंबर 1793 में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद नेपोलियन की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। एक फ्रेंच नेवल बेस था टूलों नाम से, यहां पर एक अपराइजिंग देखने को मिल रही थी एक किसी ग्रुप के द्वारा और फिर बाद में ब्रिटिश फोर्सेस ने भी यहां पर हमला बोल दिया था। फ्रेंच आर्मी की तरफ से नेपोलियन को भेजा गया था यहां का कमांड संभालने के लिए। नेपोलियन की पोजीशन इस वक्त थी सीनियर गनर एंड आर्टिलरी कमांडर। इन्होंने इस लड़ाई को जीतने के लिए एक प्लान बनाया जो अपने कमांडर्स के साथ शेयर किया। ये कहा कि देखो पहले हम उस फोर्ट पर कब्जा करते हैं, फिर वहां से हम उस पहाड़ी पर पहुंच जाएंगे और हमारी गन्स जो है वहां से डोमिनेट कर पाएंगे। हम ब्रिटिश की जहाजों पर उस जगह से हमला बोल सकते हैं। जब इस प्लान को एक्शन में लाया गया तो नेपोलियन ने बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करी, उन्हें एक भारी इंजरी भी हुई, लेकिन 3 महीने बाद फ्रेंच आर्मी को अपनी जीत मिलती है। फ्रेंच आर्मी के जनरल डुगोमियर नेपोलियन के बारे में कहते हैं, मेरे पास बोनापार्ट की मेरिट को डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द नहीं है। खूब सारी टेक्निकल स्किल, उतनी ही इंटेलिजेंस और बहुत ज्यादा बहादुरी। नेपोलियन एक कमाल के इंसान है। इस लड़ाई के बाद नेपोलियन को ब्रिगेडियर जनरल की रैंक दे दी गई। और कमाल की बात यह है दोस्तों कि नेपोलियन की उम्र इस वक्त सिर्फ 24 साल थी। बाकी फ्रांस में इस वक्त हालत अभी भी बहुत खराब चल रही थी, सिविल वॉर जारी थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने अपनी पूरी कोशिश करी थी कुछ रिफॉर्म्स लाने की, जैसे कि यूनिवर्सल मेल सफरेज, 18 साल से ऊपर सभी आदमियों को वोटिंग का अधिकार दिया जाए, औरतों को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए, लेकिन औरतों के लिए भी कई रिफॉर्म्स इस वक्त लाए गए, जैसे कि औरतों को डिवोर्स का अधिकार दिया गया। इससे पहले कभी भी एक औरत डिवोर्स की मांग नहीं कर सकती थी। फिर राइट टू एजुकेशन और वर्क औरतों के लिए भी एक्सटेंड किया गया। रॉबेस्पियर ने ना सिर्फ फ्रांस में स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया बल्कि फ्रेंच कॉलोनीज में भी स्लेवरी पर बैन लगाया गया। यही कारण है कि अगर आज के दिन भी अगर आप कभी फ्रांस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि कैसे कई सारी सड़कें और मेट्रो स्टेशंस को रॉबेस्पियर के नाम पर रखा गया है। लेकिन रॉबेस्पियर भी एक्चुअली में काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इंसान थे, क्योंकि इनके समय हमें देखने को मिली द रेन ऑफ टेरर। इनकी सरकार को जब भी लगता कि कोई भी इंसान हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन के खिलाफ है उनको जाकर मार दिया जाता। सिर्फ थोड़ा सा शक होने पर लोगों को मारा गया। इस पीरियड के दौरान कम से कम 20,000 फ्रेंच लोग मारे गए। इसके साथ साथ ही फ्रांस से कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को खत्म करने का काम भी इन्होंने शुरू किया। चर्च की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती थी उन्हें सरकार ने कॉन्फिस्केट कर लिया। इनकी सरकार ने कहा कि अब से सिर्फ एक सुप्रीम गॉड को माना जाएगा और इस भगवान की सर्विस तभी होगी जब आप अपनी ड्यूटी करोगे बेसहाय लोगों को मदद करने की।
इतने सारे हल्ले और इनस्टेबिलिटी के बीच जुलाई 1794 में जेकविंस की सरकार के खिलाफ एक कू देखने को मिलता है। इस सरकार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और रॉबेस्पियर को भी जान से मार दिया जाता है। अगस्त 1794, क्योंकि नेपोलियन इस सरकार के फेवर में थे, नेपोलियन को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं खुद को डिफेंड करने की, तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों बाद उन्हें जेल से रिहा भी कर दिया जाता है। इस कू को करने वाले एक फेमस इंसान थे पॉल बारास। ये नेपोलियन को सीज ऑफ टूलों के समय से जानते थे, धीरे धीरे इन्हें बहुत पसंद करने लगे। अक्टूबर 1795 में नेपोलियन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है एक रेवोल्यूशन को दबाने की। फ्रेंच आर्मी की जो फोर्सेस थी वो आउट नंबर्ड थी 1-6, लेकिन कुछ 40 तोपों का इस्तेमाल करके और थोड़ी सी इन्फेंट्री के साथ नेपोलियन ने 2 घंटे के अंदर अंदर उस रेवोल्यूशन को दबा दिया। पॉल बारास इससे इतना खुश हुए कि अब नेपोलियन को जनरल की रैंक दे दी गई। नेपोलियन एक नेशनल हीरो बन गए। नेपोलियन की उम्र इस वक्त सिर्फ 27 साल थी और अब वो फ्रेंच आर्मी के जनरल थे। कुछ महीने बाद इन्हें कमांड दिया जाता है आर्मी ऑफ इटली का। इसका मतलब इटालियन आर्मी नहीं है, इसका मतलब है फ्रेंच आर्मी जो इटली में अपने ऑपरेशंस कंडक्ट कर रही थी, उसे आर्मी ऑफ इटली बुलाते थे। इस आर्मी के लोगों के पास कोई मोटिवेशन नहीं थी, कोई डिसिप्लिन नहीं था और कोई सप्लाईज भी नहीं थी। नेपोलियन ने अपने लोगों को मोटिवेट किया बड़ी ही कमाल की स्पीचेस देकर। इन्होंने कहा कि डिसिप्लिन के बिना कोई जीत नहीं होती, लेकिन जीतने के बाद कॉन्कर टेरिटरी से लूटना और चोरी करना भी कोई बहादुरी की चीज नहीं, बल्कि सिर्फ कायर लोग ऐसा करते हैं। तो नेपोलियन की आर्मीज ने कभी कोई चोरी या लूटमारी नहीं करी, लेकिन नेपोलियन ने आर्ट जरूर चुराई। सही सुना आपने, नेपोलियन को आर्ट का बहुत शौक था, क्योंकि वो पेरिस में एक यूनिवर्सल म्यूजियम बनाना चाहते थे जहां पर एक बड़ी कलेक्शन हो दुनिया भर के आर्ट वर्क्स की। कई सालों बाद जाकर नेपोलियन ने लूव्र म्यूजियम का नाम भी बदल दिया था, अपने नाम पर कर दिया था उस म्यूजियम का नाम। लेकिन अभी हम अपनी आर्मी ऑफ इटली पर वापस आए तो नेपोलियन ने एक बड़ी फेमस लड़ाई लड़ी ऑस्ट्रियंस के खिलाफ, जिसे बैटल ऑफ आर्कोल बुलाया जाता है। इस लड़ाई को इस फेमस पेंटिंग में भी दर्शाया गया है। नेपोलियन की टैक्टिक्स थी कि जल्दी से ट्रूप्स को मूव किया जाए इधर से उधर अलग अलग फॉर्मेशंस में और दुश्मनों पर सरप्राइज अटैक किया जाए। इसी के चलते नेपोलियन ने यह बैटल ऑफ आर्कोल जीती। साल 1798 में फ्रांस प्लान कर रहा था कि ब्रिटिश आइल्स पर इन्वेजन किया जाए, लेकिन जब नेपोलियन को पेरिस वापस बुलाया गया तो नेपोलियन ने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया। नेपोलियन का कहना था कि ब्रिटिश नेवी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, अभी कोई फायदा नहीं इन्वेजन करने का। इसकी जगह नेपोलियन ने सजेस्ट किया कि एक मेडिटेरेनियन में कैंपेन करते हैं अपनी, हम साउथ में जाकर इजिप्ट के देश को कैप्चर करते हैं और ब्रिटिश का हम रास्ता रोक देते हैं इंडिया तक का। इसके बाद नेपोलियन का प्लान था कि वो मैसूर के टीपू सुल्तान की मदद करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करने में। तो अपनी इस मेडिटेरेनियन कैंपेन की शुरुआत करते हैं नेपोलियन 40,000 सोल्जर्स के साथ। कई सारे जहाजों में बिठाकर ये सोल्जर्स रवाना होते हैं टूलॉन के शहर से। नेपोलियन अपने साथ सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि 160 से ज्यादा साइंटिस्ट, स्कॉलर्स और आर्टिस्ट भी लेकर जा रहे थे। इन लोगों का काम था कि जो भी नई चीजें ये नए देशों में जाकर सीखते हैं, जो भी वैल्यूएबल नॉलेज इन्हें मिलती है, उसे इकट्ठा करके रिकॉर्ड किया जाए। नेपोलियन की आर्मी साउथ की तरफ आगे बढ़ती है। सबसे पहले माल्टा के आइलैंड को कैप्चर किया जाता है। उसके बाद ये लैंड करते हैं इजिप्शियन कोस्ट पर अलेक्जेंड्रिया में। यहाँ छिड़ती है बैटल ऑफ अलेक्जेंड्रिया और बैटल ऑफ पिरामिड्स। Follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar. I'm destined for greatness. जहां पर ये ऑटोमन की आर्मी और वहां के लोकल राजाओं को हराते हैं। फ्रेंच झंडा लहराया जाता है सिटेडल ऑफ काइट बे पर, ये फोर्ट्रेस जो कि आज के दिन आपको इजिप्ट के देश में मिलेगी। नेपोलियन एक इंस्टीट्यूट ऑफ इजिप्ट की स्थापना करते हैं, जिसका मकसद था एक सिस्टमैटिक स्टडी करना इजिप्ट की हिस्ट्री, कल्चर और रिसोर्सेज पर, और साथ ही साथ इनलाइटनमेंट की विचारधारा को इजिप्ट तक फैलाना। लेकिन नेपोलियन का यह प्लान ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं था। सिर्फ कुछ हफ्तों बाद अगस्त 1798 में ब्रिटिश नेवी की एक बड़ी फ्लीट आकर फ्रेंच पर हमला बोल देती है। ढेरों फ्रेंच जहाज तबाह हो जाते हैं, एक फ्रेंच एडमिरल भी मारा जाता है। इस लड़ाई को बुलाया जाता है द बैटल ऑफ नाइल। इस हिस्टोरिक पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि कैसे कई सारे फ्रेंच जहाज खत्म हो चुके हैं। करीब एक साल बाद अगस्त 1799 में फ्रेंच आर्मी की लगातार हार के बाद नेपोलियन अपनी आर्मी को छोड़कर सीक्रेटली इजिप्ट से भाग निकलते हैं। नेपोलियन की ये मिलिट्री कैंपेन एक बहुत बड़ा फेलियर रहती है। इंडिया तक पहुंचकर टीपू सुल्तान की मदद करना तो छोड़ो, इजिप्ट भी नेपोलियन के हाथों से निकल जाता है और माल्टा जो सबसे पहले कैप्चर किया था वो भी ब्रिटिश वापस कैप्चर कर लेते हैं।
आप पूछोगे कि इस फेलियर को मेंशन करने का क्या तुक बना, इसके पीछे दो कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इवन दो ये कैंपेन मिलिट्री वाइज फेल रहती है, लेकिन फिर भी ये कैंपेन साइंटिफिकली सक्सेसफुल रहती है। इस कैंपेन में सबसे बड़ी डिस्कवरी करी जाती है फेमस रोजेटा स्टोन की, एक ऐसा पत्थर जिस पर सेम मैसेज तीन अलग अलग भाषाओं में लिखा है। इसकी मदद से हम एंशिएंट इजिप्शियन हिएरोग्लिफिक्स की भाषा को समझ पाते हैं। इस पत्थर की बात मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले वीडियो में भी करी थी, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो इस पत्थर के बारे में तो उस वीडियो में देख सकते हो। इसके अलावा फ्रेंच साइंटिस्ट ने कई डिस्कवरीज करी कि किस तरीके के पेड़ पौधे इजिप्ट में पाए जाते हैं, इजिप्ट की टोपोग्राफी कैसी है, बिल्डिंग्स का डिजाइन कैसा है, इजिप्शियन जार्स कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं फूड प्रिजर्वेशन के लिए। और दूसरा कारण ये फेल्ड कैंपेन जरूरी क्यों है वो ये कि नेपोलियन जब फ्रांस वापस लौटते हैं तो वो किसी लूजर की तरह वापस नहीं लौटते, बल्कि हीरो की तरह उनका तालियों से स्वागत किया जाता है। आप सोचोगे यार ये कैसे हो गया, वहां नेपोलियन सारी चीजें हार कर अपनी आर्मी को छोड़कर भाग कर आ रहा है और फिर भी इसे हीरो की तरह देखा जा रहा है। इसके पीछे कारण था दोस्तों नेपोलियन के फेवर में चल रहा प्रोपेगेंडा प्रो मैक्स। कई सालों से अखबारों से लेकर पेंटिंग्स और स्केचेस में, ऑफिशियल बुलेटिन से लेकर गानों और पोएम्स तक, फ्रांस में हर जगह नेपोलियन की तारीफ करी जा रही थी। 6 अखबार थे उस जमाने में फ्रांस में, इनमें से कुछ की स्थापना तो नेपोलियन ने खुद करी थी और कुछ अखबारों का कंट्रोल टेक ओवर कर लिया था नेपोलियन ने। इन अखबारों में खबरें छपती थी अलग अलग लड़ाइयों की, और इन खबरों में जो कहानियां होती थी वो नेपोलियन ने खुद बोली होती थी। नेपोलियन खुद को ऐसा दिखाते थे कि ये बड़े ही नॉलेजेबल इंसान हो। ढेरों पॉजिटिव पेंटिंग्स और स्केचेस का इस्तेमाल किया जाता था इनकी हीरोइक बैटल्स दर्शाने के लिए। जब इन्होंने अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन के लिए साइंटिस्ट को चूज किया था तो अखबार ने 7 पन्ने भर दिए थे एक एक मिनट बाय मिनट डिटेल लिखते हुए उस मीटिंग की, जो सोल्जर्स को ये भाषण दिया करते थे सारे के सारे अखबार में छपते थे। इसके अलावा नेपोलियन की बचपन की कहानियां भी अखबारों में छपती थी जो एक्चुअली में हुई भी नहीं थी। इमेजिनरी कहानियां बनाई जाती थी कि नेपोलियन बचपन में ऐसे थे, नेपोलियन ने बचपन में ये महान काम किया था। यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प कहानी है नेपोलियन के प्यार जोसेफिन की भी। इस रोमांटिक रिलेशनशिप को फिल्म में बहुत गहराई से दर्शाया गया है। डायरेक्टर रिडली स्कॉट का कहना है कि नेपोलियन ने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया जोसेफिन के प्यार को जीतने के लिए, लेकिन जब वो उन्हें नहीं जीत पाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कॉन्कर किया उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए, और इसी प्रोसेस में खुद को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इस कहानी की ज्यादा बात मैं वीडियो में करूंगा नहीं, ये आप मूवी देखकर समझ लेना। लेकिन अपने प्रोपेगेंडा के इशू पर वापस आए तो इन प्रोपेगेंडा पेंटिंग्स को देखो। एक ये पेंटिंग जिसे नेपोलियन ने खुद कमीशन किया था, इसमें दिखा रखा है कि नेपोलियन अपनी मेडिटेरेनियन कैंपेन पर निकल रहे हैं, कैसे जब ये जाफा पहुंचते हैं तो वहां पर कुछ बीमार लोगों की मदद कर रहे हैं। इस पेंटिंग में ऑलमोस्ट इन्हें जीसस क्राइस्ट की तरह दिखा रखा है। एक और एग्जांपल के तौर पे इस पेंटिंग को देखो जिसमें बैटल ऑफ मरेंगो दिखाई है, जो फ्रेंच आर्मी ने ऑस्ट्रियंस के खिलाफ लड़ी थी 1800 में। इस पेंटिंग में नेपोलियन को दिखा रखा है कि वो घोड़े पर बैठकर आल्प्स की पहाड़ियां क्रॉस कर रहे हैं। नोट करने वाली चीज ये है कि अलेक्जेंडर के स्कल्पचर से ये पेंटिंग कितनी इंस्पायर्ड है, और ये भी एक प्रोपेगेंडा पेंटिंग क्यों है, क्योंकि नेपोलियन ने इस तरीके से पहाड़ी को क्रॉस नहीं किया था। साल 1850 में बनाई गई इस पेंटिंग को देखिए, इस तरीके से उन्होंने पहाड़ी को क्रॉस किया था एक खच्चर पर बैठकर, और सामने कोई किसान उन्हें रास्ता दिखा रहा था। लेकिन प्रोपेगेंडा पेंटिंग में क्या दिखाया है, वाह इस तरीके से हीरो की तरह घोड़े पर बैठे हैं और पहाड़ी के ऊपर से कूद रहे हो मानो। ये सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था नेपोलियन का असली मकसद पूरा करने के लिए, नेपोलियन का फाइनल एम्बिशन, सत्ता हासिल करना। इजिप्ट से जब वापस फ्रांस लौटे नेपोलियन तो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था फ्रांस में, और करप्शन की कई रिपोर्ट सामने आ रही थी। तो नवंबर 1799 में वो एक कूप करते हैं, उस वक्त की सरकार को खारिज करते हैं और अपनी एक नई कॉन्सुलेट सरकार बनाते हैं, जिसमें नेपोलियन खुद पहले काउंसिल बनते हैं सरकार के। दो और लोगों को एडिंग काउंसिल्स रखा जाता है और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है फ्रांस में। फ्रांस में ज्यादातर लोगों को इसमें कुछ गलत नहीं लगा क्योंकि वो प्रोपेगेंडा से इतने प्रभावित हो गए थे। नेपोलियन को एक ऐसे इंसान की तरह दर्शाया गया कि ये तो एक ऐसे इंसान है जो पॉलिटिक्स से ऊपर हटके हैं, जो भी ये काम कर रहे हैं वो फ्रेंच नेशनल इंटरेस्ट में है और एनलाइटनमेंट के आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए किया जा रहा है। इस नए कॉन्स्टिट्यूशन पर जनता का अप्रूवल लेने के लिए एक रेफरेंडम कराया जाता है
फ्रांस में। नेपोलियन के भाई लूसियन मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर थे फ्रांस में, वो रेफरेंडम के रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं। बताते हैं कि करीब 30,13,000 लोगों ने वोट किया और इसमें से 99.9% लोगों ने कहा है कि वो इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में है। वाह, यानी फ्रांस में 99.9% जनता नेपोलियन के फेवर में थी। क्या ये बात सच है? बिल्कुल भी नहीं। असलियत में 15 लाख के करीब वोट्स ही डले थे नेपोलियन के फेवर में। फ्रेंच हिस्टोरियन क्लाउड लॉन्गलॉइस ने कई सदियों बाद 1972 में जाकर एविडेंस प्रेजेंट किया कि जो रेफरेंडम हुआ था असलियत में इसके रिजल्ट्स पूरे फ्रॉड थे। 50% से थोड़े से ज्यादा लोगों ने एक्चुअली में नेपोलियन के फेवर में वोट किया था। अच्छा, 2 साल बाद साल 1802 में एक और रेफरेंडम कराया जाता है। इस बारी नेपोलियन जनता से पूछते हैं कि क्या नेपोलियन को काउंसिल फॉर लाइफ बन जाना चाहिए। और एक बार फिर से जनता की तरफ से रिजल्ट आता है। 99.7% फ्रेंच लोग इसके फेवर में हैं कि नेपोलियन हमेशा फॉर लाइफ सत्ता में बैठे रहे। अच्छा, 2 फ्रॉड रेफरेंडम्स के बाद भी नेपोलियन संतुष्ट नहीं हुए। साल 1804 में एक तीसरा रेफरेंडम कराया जाता है ये पूछने के लिए जनता से कि क्या नेपोलियन को फ्रांस का महाराजा बन जाना चाहिए। और रेफरेंडम का रिजल्ट आता है, 99.9% लोगों ने कहा है कि हाँ नेपोलियन भाई, आपको फ्रांस का महाराजा बन जाना चाहिए। तो नेपोलियन कहते हैं, देखो मुझे तो वैसे कोई पावर की भूख इतनी है नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हो तो चलो मैं बन जाता हूँ महाराजा। मजाक कर रहा हूँ, एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं था। एक्चुअली में नेपोलियन उन लोगों में से नहीं थे जो अपनी सत्ता की भूख को छुपा कर रखते थे। नेपोलियन बड़ा खुल के कहते थे कि इन्हें सत्ता से प्यार है। पावर इज माई मिस्ट्रेस, इनकी फेमस लाइनें हैं। मैंने इसे पाने के लिए इतनी मेहनत करी है और मैं किसी भी हालत में इसे अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। एक्चुअली उन जमानों में ये जो सत्ता की भूख है इसे एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी माना जाता था राजा महाराजाओं में और नोबल लोगों में। नेपोलियन को सत्ता से इतना प्यार था कि अगले 10 सालों तक यूरोप में वो एक के बाद एक लड़ाइयां लड़ते गए। बीच बीच में वो पीस ट्रीटी जरूर साइन करते थे, जैसे कि 1802 में एक ब्रिटेन के साथ पीस ट्रीटी साइन करी गई, लेकिन जल्द ही लड़ाई वापस शुरू हो जाती थी क्योंकि ब्रिटिश भी यहाँ सत्ता की भूखी थी। बाकी कई जो यूरोपियन देश थे उस वक्त, वो नेपोलियन से सिर्फ सत्ता की भूख के लिए नहीं लड़ते थे बल्कि वो अपने सर्वाइवल के लिए भी लड़ते थे। यूरोप के कई राजा महाराजाओं को फ्रेंच रेवोल्यूशन की विचारधारा से बहुत डर था, वो नेपोलियन को एक खतरा समझते थे अपने किंगडम के लिए। मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था कि कैसे नेशनलिज्म की जो विचारधारा थी वो सबसे पहले इनलाइटनमेंट के थिंकर्स के द्वारा दी गई थी, जैसे कि रूसो और वोल्टेयर। ये लेफ्ट विंग रेवोल्यूशनरीज की आइडियोलॉजी होती थी। दूसरी तरफ राइट विंग के जो लोग थे उनकी आइडियोलॉजी थी मोनार्की और सोशल हायरार्की को सपोर्ट करना। जो सिस्टम चला आ रहा है वो वैसे ही चलता रहे, राजा महाराजा वाला। लेफ्ट विंग वाले लोग कहते थे कि हम लोग सब एक बराबर हैं, हम आजाद हैं और हम देश की आजादी चाहते हैं। यही नेशनलिज्म बाद में जाके बेसिस बना रिपब्लिकनिज्म का, और यही विचारधारा बड़ी तेजी से फैल रही थी बाकी यूरोपियन देशों में उस समय। रेवोल्यूशनरीज उभर कर आ रहे थे जो इन राजा महाराजाओं की सत्ता को चैलेंज कर रहे थे, तो इन राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी कोलेशंस बनानी शुरू करी। 1792 और 1815 के बीच में कोलेशन वॉर्स लड़ी गई जिसमें मोनार्कीज फ्रांस के खिलाफ जंग पर गई। तो कुछ मायनों में देखा जाए तो नेपोलियन ने जो यहाँ काम किया वो एक लिबरेटर का था। यूरोप के कोने कोने तक आजादी और इनकलाब का नारा पहुंचाया। नेपोलियन की आर्मी जब इटली में गई तो उनका कहना था कि इटली के लोगों, फ्रेंच आर्मी आपकी जंजीरें तोड़ने आई है, हमारी आम लोगों से कोई मतभेद नहीं है, हम तो सत्ता में बैठे उन राजा महाराजाओं को खत्म करने आए हैं जिन्होंने आप लोगों को बंदी बना रखा है। यही कारण है कि इटली में मिलान शहर के लोग नेपोलियन को एक हीरो की तरह देखते थे। नेपोलियन ने उन्हें आजादी दिलाई ऑस्ट्रियन महाराजा फ्रांसिस II से। इटालियन रेवोल्यूशनरी और पोएट यूगो फोस्कोलो ने 1802 में फेमसली कहा था, आई विल नेम यू देयरफॉर बोनापार्ट द अनहर्ड ऑफ टाइटल ऑफ लिबरेटर ऑफ पीपल्स एंड फाउंडर ऑफ रिपब्लिक्स। साल 1803 में वन ऑफ द मोस्ट फेमस म्यूजिक कंपोजर्स बेथोवन ने अपने गाने का नाम नेपोलियन के ऊपर ही रख दिया। एज अ फॉर्म ऑफ ट्रिब्यूट उन्होंने अपनी सिम्फनी नंबर 3 को बोनापार्ट का नाम दिया। इनका मानना था कि नेपोलियन एक हीरो है क्योंकि वो डेमोक्रेसी और एंटी मोनार्की की विचारधारा को पूरे यूरोप में फैला रहे हैं। लेकिन वो इंसान कैसे हीरो हो सकता है जो खुद के सर पे ताज रख दे, खुद को राजा घोषित कर दे और झूठे रेफरेंडम्स कराए। जैसे ही बेथोवन को ये पता चला कि नेपोलियन ने खुद को महाराजा घोषित कर दिया है, उन्होंने गुस्से में चिल्लाकर कहा कि नेपोलियन सिर्फ एक आदमी है, कोई भगवान नहीं।
अब ये भी सत्ता के लालच में आकर लोगों पर अत्याचार करेगा। उन्होंने अपनी सिंफनी का नाम दोबारा से बदल दिया और बोनापार्ट का नाम हटा दिया। ये बात सच है कि नेपोलियन ने कई ऐसे फैसले लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज के खिलाफ जाते थे। 1802 में उन्होंने दो ऐसे कानून साइन किए जिससे कि स्लेवरी वापस इंट्रोड्यूस कर दी गई। औरतों पर इनकी राय भी काफी रिग्रेसिव थी। इनका मानना था कि सबसे इंपॉर्टेंट औरत वही है जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करे। बहुत से औरतों के राइट्स इन्होंने छीन लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में औरतों को दिए गए थे। डिवोर्स लॉज में वापस आदमियों को प्रायोरिटी दे दी गई। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बोलने की आजादी, एक और बहुत बड़ी वैल्यू थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली थी। लेकिन नेपोलियन ने इस पर भी प्रतिबंध लगाना शुरू किया। जो नेपोलियन के खिलाफ बोलता उसे एग्जाइल में भेज दिया जाता और जो भी आजाद अखबार थे उस वक्त उन्हें बंद कर दिया गया। नेपोलियन के आने के बाद फ्रांस में स्टेबिलिटी जरूर आई, लेकिन फ्रांस रहा एक डिक्टेटरशिप ही। नेपोलियन को अगर सही में इंटरेस्ट था फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज को स्प्रेड करने में, तो कम से कम वो डेमोक्रेसी वापस ला सकते थे फ्रांस में। मैंने इस वीडियो की शुरुआत करी थी कॉर्सिका की कहानी से, कि कैसे बचपन में नेपोलियन सपने देखते थे कॉर्सिकन इंडिपेंडेंस के, लेकिन महाराजा बनने के बाद उन्होंने कभी भी कॉर्सिका को आजाद करने की नहीं सोची। इनफैक्ट फ्रांस में डेमोक्रेसी लाना तो छोड़ो, नेपोलियन जिन जिन देशों को कॉन्कर करते वहां पर भी उन्होंने अपने भाइयों को ही राजा बना दिया। मई 1808 फ्रांस स्पेन के खिलाफ एक जंग छेड़ देता है। स्पेन के राजा कार्लोस द फोर्थ को गद्दी से उतरना पड़ता है और स्पेन का सिंहासन नेपोलियन अपने भाई जोसेफ के हाथों दे देते हैं। इससे पहले जोसेफ नेपल्स और सिसिली का भी राजा था। नेपोलियन के छोटे भाई जेरोम को वेस्टफेलिया का राजा बनाया जाता है। ये एक ऐसा रीजन है जो आज के दिन के जर्मनी में है। और 1806 में जब किंगडम ऑफ हॉलैंड को कैप्चर किया जाता है नेपोलियन के द्वारा, तो वहां के राजा भी नेपोलियन अपने भाई लुइस को बनाते हैं। लेकिन इस सारी सत्ता की भूख के पीछे नेपोलियन की एक पॉजिटिव लेगेसी भी है जिसे बताना जरूरी है। कुछ ऐसे फैसले जो नेपोलियन ने लिए जो फ्रांस और यूरोप के आने वाले समय के लिए बहुत अच्छे थे। पहला, नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। पहली बार फ्रांस को एक ढंग का लीगल फ्रेमवर्क मिला जहां पर कानून सही तरीके से लिखे गए। दूसरा, मेल्स को इक्वालिटी मिलना। जहां मैंने कहा कि औरतों के राइट्स छीने नेपोलियन ने और स्लेवरी को दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया, वहीं जो मेल सिटीजंस को इक्वल राइट्स दिए गए थे कानून के अंडर, उन्हें बदला नहीं गया। तो इसके बाद से हमेशा के लिए फ्यूडलिज्म खत्म हो गया फ्रांस में। नेपोलियन ने जिन जिन टेरिटरीज पर कब्जा किया वहां भी यही सारे कानून लागू किए गए। तीसरा, सेक्युलरिज्म। नेपोलियन के अंडर फ्रांस की सरकार सेक्युलर थी। रिलीजियस फ्रीडम था फ्रांस में, जो जिस धर्म को प्रैक्टिस करना चाहे उसे उसकी आजादी थी। साल 1801 में क्रिश्चियनिटी की वापसी जरूर देखने को मिली फ्रांस में, जब नेपोलियन ने एक एग्रीमेंट साइन करी पोप के साथ, लेकिन जो सरकार और चर्च के रिलेशंस थे वो पहले जैसे कभी वापस नहीं हो पाए। जो बैलेंस था वो सरकार के फेवर में ही ज्यादा टिल्टेड था। चर्चेस में जो ट्रेडिशनल पोजीशंस हुआ करती थी कैथोलिक क्लर्गी की, वो वापस लौटी जरूर, लेकिन बिशप्स को सेलेक्ट करने का काम अब वो नेपोलियन ने खुद किया। वो सरकार के कंट्रोल में था। चर्च के जो फाइनेंसेस होते थे वो अब सरकार के थ्रू सुपरवाइज किए जाते थे। तो चर्च की पावर बहुत कम हो गई इसके बाद से हमेशा के लिए यूरोप में। चौथा, एक बैंकिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करना। नेपोलियन ने साल 1800 में एक बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना करी। जो हाइपर इन्फ्लेशन इससे पहले देखने को मिल रही थी वो कंट्रोल में आई और इनकी करेंसी स्टेबलाइज हुई। पांचवा, एक मॉडर्न और एफिशिएंट टैक्स सिस्टम नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले नोबिलिटी और राजा महाराजाओं को कोई टैक्सेस नहीं देने पड़ते थे, लेकिन नेपोलियन के सिस्टम के अंदर कोई भी इंसान टैक्सेस देने से बच नहीं सकता था। छठा, एजुकेशन सिस्टम। नेपोलियन ने प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई स्कूल सेटअप किए। एक यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना करी गई। एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाई गई। टीचर्स की ट्रेनिंग की जाने लगी और एक सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट होने लगी टीचर्स की। टेक्निकल स्कूल, सिविल सर्विस स्कूल्स और मिलिट्री स्कूल सबको सरकार के द्वारा रेगुलेट किया जाने लगा। एजुकेशन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ गया। सातवा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। 1808 में इन्होंने पेरिस के पुराने वाटर पंप्स को मॉडर्नाइज किया, एक नया कैनाल बनवाया ताकि पेरिस में डायरेक्टली पानी पहुंच सके। 15 अलग अलग वाटर फाउंटेन्स कंस्ट्रक्ट करवाए। ये इंश्योर किया गया कि पेरिस में रहने वाले लोग कभी भी भूखे ना मरे। जो स्टोर रूम्स और ग्रैनरीज थी उन्हें भी मॉडर्नाइज किया गया। 8 नए मार्केट्स इन्होंने बनवाए, वाइन मार्केट, वीट मार्केट, सब कुछ एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होने लगा। तो एज अ कंक्लूजन यहाँ पर देखा जाए, नेपोलियन सत्ता का भूखा जरूर था, लेकिन वो कोई चौथी पास राजा नहीं था। नेपोलियन एक इंटेलिजेंट आदमी थे जो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर निकले, जिन्होंने कई अच्छे कदम लिए फ्रेंच लोगों के लिए। कुछ लोग नेपोलियन को हिटलर से कंपेयर करते हैं, जो कि मेरी राय में बिल्कुल भी सही कंपैरिजन
रीजन नहीं है, क्योंकि नेपोलियन ने कभी भी किसी एक धर्म के खिलाफ या एक कम्युनिटी के खिलाफ नफरत नहीं फैलाई, और ना ही नेपोलियन ने कभी कोई डिवाइड एंड रूल की स्ट्रेटजी अपनाई। ये बात सच है कि लाखों लोगों को मारा जरूर नेपोलियन ने, लेकिन वो सब वॉर और सत्ता के लालच में किया। और फाइनली अब इसकी भी बात कर लेते हैं कि नेपोलियन का अंत कैसे हुआ। नेपोलियन ने कई सारी बैटल्स जीती लेकिन कई सारी हारी भी, जैसे कि इजिप्शियन कैंपेन जिसकी मैंने बात करी थी। नेपोलियन ने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम इंस्टॉल किया था जो कि एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड था ब्रिटेन के ऊपर सारी फ्रेंच एलाइड कंट्रीज के द्वारा। जब रशिया ने इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम को ब्रीच किया साल 1812 में, नेपोलियन ने रशिया पर हमला बोल दिया। रशियन फोर्सेज ने लड़ने से ही मना कर दिया। रशियन फोर्सेज पीछे हट जाती और मैदान पर ही आग लगा देती, ताकि जब नेपोलियन की फोर्सेस वहां तक पहुंचती तो उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। नेपोलियन की आर्मी ऐसा करते करते मॉस्को तक पहुंच गई, लेकिन मॉस्को में कुछ था ही नहीं। एक महीने तक उन्होंने इंतजार किया कि दूसरी तरफ से कोई सरेंडर आएगा, लेकिन कुछ नहीं आया। खाली शहर, कोई खाना मौजूद नहीं, तो नेपोलियन को अपनी भूखी आर्मी को वापस मोड़ना पड़ा। अगले साल 1813 में यूनाइटेड किंगडम, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, स्वीडन और कई और देश साथ में मिलकर नेपोलियन पर हमला करते हैं। इसे बैटल ऑफ लाइप्सिश कहा जाता है, और ये हार फ्रांस को बहुत बड़ी पड़ती है, जिसके बाद नेपोलियन को एग्जाइल में भेज दिया जाता है एल्बा के आइलैंड पर साल 1814 में। अगले साल 1815 में एक बड़ा ड्रामेटिक कमबैक देखने को मिलता है नेपोलियन का, जब वो दोबारा से सोल्जर्स इकट्ठे करके आते हैं और मार्च करते हैं पेरिस की ओर। लोगों की भीड़ उनके साथ इकट्ठी हो जाती है और वो वापस से राजा बन जाते हैं, लेकिन ये कहानी सिर्फ 3 महीने तक चलती है। यूनाइटेड किंगडम और उसकी एलाइज एक बार फिर से नेपोलियन के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, जो इस बारी फाइनल बैटल बन जाती है नेपोलियन की, द बैटल ऑफ वाटरलू। इस बार नेपोलियन को बहुत बहुत दूर के आइलैंड पर डिपोर्ट किया जाता है, सेंट हेलेना, जहां पर वो अपनी आखिरी सांस लेते हैं 6 साल बाद, साल 1821 में। और यहाँ अंत होता है नेपोलियन की इस बेहतरीन दास्तां का। यहाँ पर आपकी क्या राय है नेपोलियन के बारे में, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ पूरी कहानी सुनने के बाद। उम्मीद है नेपोलियन के बारे में अब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस वीडियो के द्वारा। अब आपको मूवी देखने में भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि अब आपको पता होंगे कि किन कैरेक्टर्स को मूवी में दिखाया जा रहा है। तो जाकर देखना इस मूवी को सिनेमाज में, अब बहुत ही दिलचस्प है मेरी राय में ये, मैं भी जरूर देखूंगा। और अब आप अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख सकते हैं, इतनी ही डिटेल में उसे भी समझाया हुआ है, यहाँ क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।